जम्मू कश्मीर में आ गया है। इतनी बरसात हुई है जिसका कोई हद ही नहीं है। नाना नगर यहाँ इस वक्त खड़े हैं, नाना नगर नाला पर वो सब पानी ओवरफ्लो होके लोगों के घरों में ही नहीं दीवारें तोड़ता हुआ चला गया। बहुत सा नुकसान हुआ है लोगों का, चार चार पाँच पाँच फुट पानी। लेकिन जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अपनी तरफ से फरवरी से नाले से शहर के साफ करा रही है, लेकिन बारिश ही इतनी हुई है उसके बावजूद जहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम है, जो सब जितने भी लोग जहाँ पे इस मोहल्ले के आए हुए हैं, मेरे साथ आज हमारे मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी और हमारे यहाँ के स्थानीय लीडर अंकुश जी और जितने भी हमारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का स्टाफ सीटीओ से लेके हमारा सैनिटेशन वाला सारा यहाँ पर आया है। मेन यहाँ पे सबकी एक ही डिमांड है, एक ही प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये जो नाला कवर किया गया है इसको तोड़ना है। तो इसको जल्द से जल्द हम एक दो दिन में इसका ऑर्डर करके, ऑर्डर क्या करना है, इसको तोड़ने का काम शुरू कर देंगे। मेरी जनता से यही अपील है, जो मोहल्ला वासियों से आप सहयोग करें ताकि इसमें जो कोई रोकने का अगर कोई बात करेगा उसका इलाज हम भी करेंगे और आप लोग भी मिलकर करें। पूरा प्रयास है, पूरा प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में अगले साल यहाँ बरसात का पानी ना आए, इतना इसका पूरा प्रयास करेंगे। देखिए इस समय हम नानक नगर में हैं और नानक नगर ये जो नाला है यहाँ पर है। रात को जो बारिश हुई, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बारिश होने की वजह से जम्मू पूरे शहर में जो है वो नाले जो हैं वो ओवरफ्लो हुए हैं और ये जो नानक नगर का नाला है ये भी ओवरफ्लो हुआ है। और ओवरफ्लो होने का कारण क्या है कि जहाँ पर जो नाला है वो छत दिया गया है, उस पर लैंडर डाल दिया गया, उस पर स्लैब है और स्लैब से ऊपर होकर पानी जो है लोगों के घरों में चला गया और स्लैब के अंदर जो है वो नाला जो है वो ब्लॉक हो चुका है। आज हम देख रहे थे जहां लोगों के घरों में दीवारें तोड़ के, गाड़ियां तोड़ के और उसके बाद फर्नीचर जितना भी है, पाँच पाँच फुट पानी जो है वो लोगों के घरों में है, अभी भी इस समय भी है। तो मेरा ये कहना है, हमने इस समय, अब हम मेयर साहब के साथ हैं, यहाँ के चेयरमैन हमारे बंटी जी हैं, अंकुश जी और बाकी जो लीडर्स हैं, सब ने यही फैसला किया है कि अगर अब लोगों के घरों में जो पानी गया है, बजा है, ये जो नाले पर स्लैब डली हुई है, तो सब लोगों का कहना है कि नाले पर स्लैब ना होती तो पानी चला जाता, नाला साफ हो सकता था। अब स्लैब की वजह से नाला साफ नहीं हो पा रहा, यही निर्णय लिया गया है कि जल्द से जल्द ये जो नाले पर स्लैब पड़ी है, नाले पर इसे तोड़ा जाए। मेयर साहब को हमने आग्रह किया सबके सामने और इन्होंने कहा कि इसको जल्द तोड़ने का कार्यक्रम जो है शुरू करेंगे। मैं नानक नगर के साथ साथ नई बस्ती हो चाहे वो दूसरा इलाका हो, सारे क्षेत्र में आज जो है पानी लोगों के घरों में गया है। ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का काम बनता है कि वो ये देखे कि कहां कहां पानी लोगों के घरों में जा रहा है, उसका क्या कारण है, जो भी कारण हो उसको दूर करना हमारा दायित्व और फर्ज बनता है। और मेयर साहब और इनकी पूरी टीम है, ये पूरा जोर लगाएगी कि आने वाली बरसात में लोगों के घरों में पानी ना जाए।